हाय गाइस, मैं हूँ फेयर और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ढेर सारा आप सबका प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं 5:30 और ये देखिए डॉग और कैट दोनों एक साथ सोए हुए हैं। मोस्टली डॉग और कैट का 36 का आंकड़ा होता है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बट मेरे घर पे प्यार से रहते हैं। और ये देखिए 5:30 बज गए, अब मैं उठ जाता हूँ, सुबह की क्लास है, तो चलिए मिलते हैं आपको क्लास में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना, नहीं तो आपको आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैं पहुंच गया हूं मेरी कराटे क्लास में। सुबह जल्दी उठ गया था मैं 5:30 बजे, तो जब 5:30 बजे उठ जाएंगे तो फ्रेश होके एकदम टाइम पे क्लास में पहुँच जाते हैं। और क्लास में अभी सिर्फ 2-4 बच्चे ही आए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ आज पूरा दिन और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। गाइस, मैं आया हूँ यहाँ पे नाश्ता लेने के लिए और ये अन्ना की फेमस दुकान है। यहाँ पे इडली डोसा यानी साउथ इंडियन फूड बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो ये देखिए दो दुकान है, उधर मेंदू वड़ा बन रहा है और इधर मसाला डोसा। ये चावल के आटे से ऐसा गोल 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 करते हैं, आई थिंक चावल का ही आटा होता है। और जिनको पता है वो कमेंट करना है कौन सा आटा रहता है, चावल का आटा रहता है क्या, उसके ऊपर चटनी। और ये अभी आलू जा रहा है, आलू का जो भरता रहता है वो मसाला। और इसको जो इसका सांभर होता है ना भाई, सांभर बहुत टेस्टी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अन्ना ही बना सकते हैं, यानी कि साउथ इंडियन ही बना सकते हैं, अपने बस की बात नहीं है। आप लोग अगर घर पे इडली सांभर बनाते हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आऊँगा आपके घर पे खाने के लिए। सॉरी, नहीं आऊँगा जब तक आप बुलाएंगे नहीं। तो हमारा मसाला डोसा बनकर हो गया तैयार, ये देखिए वाह। और ये ना पूरा केले के पत्ते में पैक करते हैं, पहले केले का पत्ता रहता है और फिर कागज़ रहता है, तो प्रॉपर जो साउथ इंडियन डिश है उसी तरह से करते हैं, इनका कल्चर है, इसलिए ये दुकान बहुत ही फेमस है, सब लोग यहीं पर आते हैं, आप भी आइए। तो गाइस, मैं आ गया हूँ घर पे और ये देखो मैं क्या भाई साहब, चलिए नाश्ता तो मैं लेके आया हूँ, चलते हैं नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। आज के ब्रेकफास्ट में है साउथ इंडियन फूड मसाला डोसा एंड इडली, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने। ये मेरी कैट को पता नहीं क्या हो गया, मेरे जैकेट के अंदर घुस के क्या देख रहे हैं, क्या मिल रहा है इनको, क्या मालूम। क्या मिल रहा है
गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज गए हैं 5 और मैं अभी उतरा हूँ पेप्पी को लेके नीचे घुमाने के लिए, उसको फ्रेश करवाने के लिए। और आज मेरी क्लास है जल्दी, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्लास में, और उसके बाद वहाँ पे फाइट वगैरह है, प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि कल है टूर्नामेंट नेशनल, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। कल भी रात को मैं लेट आया और आज भी शायद लेट ही पहुंचूंगा। और आप लोग कल लाइव ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर कराटे की फाइट देखते हैं तो, मैं पूरा दिन रहूंगा लाइव में। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज गए हैं 6 और हम जा रहे हैं कराटे क्लास में। तो आज आप सोच रहे होंगे कि वाइट से ब्लैक ब्लैक क्यों है, ब्लैक ब्लैक इसलिए हैं क्योंकि आज है थांगता की प्रैक्टिस, थांगता एंड कुंगफू, तो इन दोनों में ब्लैक ड्रेस ही लगती है। तो चलिए चलते हैं कराटे क्लास में। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं मेरी कराटे क्लास में और आज देखिए सब काले कौए लग रहे हैं, काले बगुले लग रहे हैं मेरी क्लास में सब। तो आज है कुंगफू की प्रैक्टिस, कुंगफू एंड थांगता। आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, बज गया है 7 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ कराटे क्लास से, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर लीजिए लाइव फटाफट। चलिए बराबर रखो हाथ और पुश करो हेड नहीं हेड नहीं हेड नहीं हेड नहीं हेड नहीं हेड नहीं एक 5 प्याज दे दो और आलू, आलू छोटे छोटे हैं, आलू है घर पे सिमरन? अच्छा ठीक है, बाजू में मसाले वाला है, उधर भी है, मार्केट है पूरी। पकड़ के कौन बैठेगा तुम? ठीक गाइज रुका हूँ मैं अभी यहाँ पे प्याज लेने के लिए क्योंकि घर में प्याज ख़त्म हो गए हैं, और सुबह मैं खाने वाला हूँ प्याज के परोठे क्योंकि आज ही मैंने किसी का ब्लॉग देखा था, उन्होंने प्याज के परोठे बहुत अच्छे बनाए थे, डिलीशियस थे एकदम, तो मुझे खाने हैं वो, इसलिए हम प्याज लेने के लिए आए। ठीक है चलते हैं घर पे, मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी पहुंच गया हूं घर पे और काफ़ी देर तक मैंने आज क्लास ली क्योंकि बच्चों को तैयार करना था नेशनल के लिए, अब कल है उनका टूर्नामेंट, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा और आप उनको ब्लेसिंग दीजिए, ऑल द बेस्ट बोल दीजिए ताकि अच्छे मेडल आए। ओके मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।